मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा साहब। सर स्वागत है सागर में आपका। सर ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से निधि जैन को टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, क्या हाई प्रोफाइल चुनाव लड़ने की कोशिश में है कांग्रेस? कांग्रेस हमेशा लो प्रोफाइल चुनाव लड़ती है और ये परिवार सुनील जैन साहब विधायक रहे हैं, एक कांग्रेस का पुराना परिवार है और जिनका एक सोच है, एक विज़न है, क्योंकि तीन तीन मंत्री हैं सागर से जिले से, लेकिन जो दुर्दशा हुई है सागर शहर की मैं समझता हूं, और महापौर बीजेपी का है, तो ये स्पष्ट स्थिति होगी कि जो हुआ पिछले सालों में यहाँ पर, अब कोई नया अगर कोई कर सकता है, कोई नया आदमी कर सकता है। और जो मैं देख रहा हूँ निधि जैन जी का जो नॉलेज है, क्योंकि वो एक पत्र समूह को भी चलाती हैं, और जो उनकी सोच और विज़न है वो निश्चित तौर से सागर के अंदर एक नया बदलाव लेके आएगा। और एक कोई भी जब भी लोग परेशान हो जाते हैं तो बदलाव लेके आते हैं, और ये एक मौका है सागर की जनता के लिए कि वो बदलाव लेके आए। और मान के चलिए निधि जैन जी के विज़न से एक नया सागर हमको देखने को मिला। स्मार्ट सिटी देखें, यहाँ का तालाब देखें, क्या दुर्दशा हुई है ये, और आज कोई वजह नहीं दिख रही है इन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की, क्योंकि इतने मंत्री होने के बाद भी कोई इसका विकास नहीं हो पाया। मैं भी कई दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ, लगभग एक डेढ़ साल से, पर हम लोग मिले थे कमिश्नर से भी, सीवेज की प्रॉब्लम, स्मार्ट सिटी के रोड की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, जो नगर निगम की बेसिक चीज़ें हैं वही प्रॉब्लम है। और बाकी कुछ अच्छा टाइम पे चुनाव हो रहा है, बरसात होगी सड़क का पता लग जाएगा, सीवेज का पता चल जाएगा, पानी कहाँ घुसा है सब का पता लग जाएगा, और जनता उस समय सड़क पे खुद आ जाती है, और जब सड़क पे उतरेगी तो वोट कांग्रेस को देगी जो आज विपक्ष में है। शैलेंद्र जी कहते हैं कि कमलनाथ जी ने मेरे घर में जो है ना दीवार खिंचवा दी निधि जैन को टिकट देकर। वो शहर के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक शैलेंद्र जी? वो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन सुनील जैन कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो जो जिस पार्टी का रहेगा उसको टिकट वहीं मिलेगा ना। अच्छा सर एक सवाल और पूछते हैं आपसे कि जब सरकार थी कमलनाथ जी की, आप मंत्री थे, उस वक्त अगर चुनाव हो जाते नगरीय निकाय के तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखता सर? नहीं, कांग्रेस को उस समय तो फायदा होता, लेकिन आज की तारीख में उससे ज़्यादा फायदा होगा। क्या वजह रहेगी? वजह ये रहेगी कि सारी दुनिया समझ रही है कि खरीद फरोख्त की सरकार है, और ये जो सरकार का ये जो टाइम हुआ कोरोना, उसके बाद लोगों के ऑक्सीजन नहीं मिलना, जान जाना, और ये कर्ज लेके कर्ज का इंटरेस्ट दे रही सरकार, त्राही त्राही मची हुई है, सरकार के पास एक पैसा नहीं है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं हो। डीजल पेट्रोल रसोई, अभी तो भोपाल जैसी राजधानी में डीजल पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, महंगा अब मिल नहीं रहा है, आखिर होगा क्या? ये श्रीलंका जैसी स्थिति में जा रहा है मध्य प्रदेश, किस दिन सड़कों पे आएंगे और सत्तारूढ़ दलों के सांसदों विधायकों मंत्री पकड़ेगी जनता। बात करने के लिए शुक्रिया सर। पीसी शर्मा साहब का कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, ऐसे हालात बन रहे हैं जैसे कि श्रीलंका के हैं। स्पेशकश में इतना ही, शुक्रिया।